हेलो फ्रेंड्स, घर में पल रहे शिशु की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सुंदर शिशु पाने के लिए महिलाएं अलग अलग तरीके से नुस्खे अपनाती हैं ताकि उनका शिशु गोरा हो, सुंदर हो और स्वस्थ हो। शिशु सुंदर हो उसके लिए क्या करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर वह ढूंढती है ताकि आने वाला शिशु, महिलाएं जैसा चाहती हैं, प्रेग्नेंट महिला जैसा चाहती है वैसा ही। कुछ महिलाएं अपने खान पान को लेकर ध्यान देती हैं तो कुछ महिलाएं जो प्राचीन काल से चली आ रही है विधि है उसको अपनाती हैं। कुछ महिलाएं अपने बेडरूम में सुंदर शिशु की तस्वीरें लगाती हैं ताकि आने वाला शिशु जैसा वो सोचती है, जैसा वो चाहती है वैसा। आज मैं बात करूंगी गर्भावस्था के दौरान क्या सुंदर शिशु को देखा जाए, उनके तस्वीर को निहारा जाए, सुंदर शिशु की छवि मन में बनाया जाए तो क्या सुंदर शिशु पैदा होगा। दोस्तों, गर्भ में पल रहा शिशु किसी सुंदर शिशु को निहारने से बिल्कुल वैसा हो, क्या ये संभव है? दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक कारण है, आप जैसा चाहते हैं आप वैसा पाते हैं। आप अपने मन को जैसा रखते हैं वैसा पाते हैं, इसलिए महिलाएं अपने आसपास सुंदर शिशु को रखती हैं, सुंदर शिशु के फोटो को रखती हैं। इसे क्या फायदा होता है दोस्तों? आप अपने मन को उस समय शांत रखते हैं, साफ रखते हैं, सुंदर शिशु की कामना करते हैं और आप उसका ध्यान करते हैं कि आने वाला शिशु वैसा ही हो। यह कुछ हद तक संभव होता है, जो आपके विचार होते हैं वैसा ही उसका फल होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान अपने आचार विचार को, अपने मन को ऐसा रखें ताकि गर्भ में पल रहा शिशु ओजस्वी हो, सुंदर हो, विद्वान हो, और यह संभव है। इसी को गर्भ संस्कार कहते हैं। यह प्राचीन विद्या है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर कई लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाए रखें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गर्भावस्था में जो विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है प्रेग्नेंट महिला को, अगर वो पूरा होते हैं तो अवश्य ही आने वाला शिशु स्वस्थ होगा, निरोग होगा, गोरा और सुंदर होगा। इसके लिए आप गर्भावस्था के दौरान आप उन चीजों का सेवन करें जिससे शिशु का स्किन साफ हो। इसके लिए आप नारियल पानी पिएं, कच्चा नारियल खाएं, रोजाना एक सेब जरूर खाएं, संतरे का सेवन जरूर करें, गाजर खाएं, पालक खाएं, दूध दही घी मक्खन का इस्तेमाल आप जरूर करें, इससे आपका शिशु गोरा और सुंदर होगा। दोस्तों, इसके अलावा गोरा शिशु माँ बाप के जींस पर भी जाता है, उनका जैसा रंग रूप होता है उनका शिशु भी वैसा होता है, जैसा उनका शरीर होता है आने वाला शिशु वैसा ही पैदा होता है। पर अगर आप गर्भावस्था के दौरान अपना विशेष ख्याल रखेंगे, अपने गर्भ का विशेष ख्याल रखेंगे, आप अपनी सोच को वैसे रखेंगे तो निश्चित ही आप जैसा शिशु चाहते हैं वैसा ही शिशु पैदा होगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा गोरा और सुंदर शिशु कैसे होता है, इसके क्या कारण होते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर आई हैं तो आपसे अनुरोध करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एक से बढ़कर एक जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।